17 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के समस्त इच्छा मित्र साथी अपने छोटे भाई का यह प्रणाम स्वीकार करें। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि भाषा मात्र संप्रेषण का साधन ही नहीं है, अपितु संसार में स्थापित होने का माध्यम है। इसीलिए भाषा को हम लोगों ने माता का रूप दिया है, जननी का रूप दिया है। मातृभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी दिवस की आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और किसी के दिल से दूर हो सकते हैं। और हमारी हिंदी भाषा तो ईश्वर ने जो प्रदान किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, उसके जितने भी शब्द उसके लिए कहे जाए कम है। हमारी आन बान और शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हमारा दिल हमारी जान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के साथ साथ एक और पवित्र दिन है, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान विष्णु चूँकि 6 माह के लिए शयन काल में है, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आज इस परिवर्तनी एकादशी के शुभ अवसर पर हम शिक्षा मित्रों का भी भविष्य परिवर्तन हो और हमारे साथ जो चली आ रही समस्याएं। साथियों स्वागत है, मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है, वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। उनका निश्चित ही समापन हो। साथियों बहुत समस्याएं हमारे जीवन में हैं और उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए ही संगठन का निर्माण हुआ था और संगठन लगातार आपके लिए प्रयास भी कर रहा है। आपने इन दिनों देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा और आप लोगों को कुछ कष्ट भी है, उसको भी मैं आपसे साझा करूंगा। अभी कल एक मेरे नाम से खबर वायरल की गई जो कि गलत थी और मैंने उसका अपने आधिकारिक संगठनात्मक जो भी ग्रुप्स हैं उन पे हमने उसको खंडन भी किया था और व्यक्तिगत भी सैकड़ों लोगों ने हमसे हमारे व्हाट्सएप पर पूछा कि क्या यह खबर सही है। अरे मित्र, अगर खबर लिखनी है जिसने भी लिखी हो तो आप अपने नाम से लिखिए, मेरी कोई भी जानकारी चाहे शिक्षा मित्र हित में हो चाहे शासन सरकार में चल रही बातचीत हो, जो भी मैं सूचना देता हूँ अपने फेसबुक वाल पर, अपने संगठन के प्रांतीय चैनल, प्रांतीय ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में पूरी जानकारी साझा करता हूँ। और ये जो खबर कल लिखी गई थी, इस खबर के जनक हमें मालूम है कहाँ के हैं, वह अपने ही साथ के हैं, अपने ही बीच के हैं, लेकिन वह शिक्षा मित्र नहीं है, वह शिक्षा मित्र पति हैं। मित्र अगर आपको लिखना है तो आप अपने नाम से लिखिए, दूसरे के नाम से खबर डालने का मतलब आप जान रहे हैं। आज शिक्षा मित्र साथियों की बहुत बड़ी संभावनाएँ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जुड़ी हुई है। शिक्षा मित्रों ने एक सैलाब के रूप में लखनऊ में आ करके अपनी समस्याओं का समाधान कराने का निवेदन सरकार से किया था। इसीलिए मैं आप सब से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप
शिक्षा मित्र से संबंधित सही जानकारी के लिए। दो तीन दिन से मैं लाइव नहीं आ पाया,